आप जैसे मैं जानता हूँ, जैसे मैं आपके एक स्टाफ मेंबर से भी बात कर रहा था, आप 3 या 4 3.5 घंटे ही सोते हैं। मतलब 7 घंटे तो सोना एक अमूमन एक शरीर को चाहिए चाहिए। आप 3.5 घंटे ही सोते हो, चार घंटे ये सोते बात हो। आपकी सही है। मेरे जो जितने मेरे साथी हैं, मेरे जानने वाले लोग हैं, या हमारे जो अब सरकार में आया हूँ तो डॉक्टर भी रहते हैं, उन सब का मेरे से एक ही आग्रह रहता है कि मेरी नींद मैं बढ़ाऊँ। राष्ट्रपति ओबामा जब मुझे मिले तो वो भी सबसे पहले मेरे से इसी के में उलझ गए। बोले, मोदी जी क्यों ऐसा करते हैं? बोले, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, जी तू तारी करके बुलाते हैं एक दूसरे को, तो तू ऐसा क्यों करता है? ये तुझे आज पता नहीं है, ये तेरा नशा है काम का, तुम करते रहोगे लेकिन तुम्हें बहुत तुम अपना नुकसान कर रहे हो। और वो जब भी मिलते हैं कि तुम मेरी बात मानते हो कि नहीं मानते हो, कि नींद बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई। अब पता नहीं मेरा एक बॉडी साइकिल ऐसा हो गया है। मतलब आपको और नींद आती ही नहीं है 3.5 4 घंटे के बाद? नहीं, नींद जो है मेरी इतने कम समय में पूरी हो जाती है। स्ट्रेस की वजह से तो आप उठ नहीं जाते हो कि अब मुझे काम नहीं नहीं करना नहीं है नहीं ऐसा? नहीं नहीं मैं इतना इतना नॉर्मली देखा है आपने कि कोई भी व्यक्ति उठता है तो हाथ पैर इधर उधर करता है, आंखें ऐसे ऐसे करता है। मेरा कुछ नहीं, आंख खुलती है, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड मेरा पैर जमीन पे होता है, मैं उठ जाता हूँ। फिर उठता, मैंने बिस्तर पे उठता हूँ, ऐसा नहीं, बिस्तर से भी बाहर होता बाहर आ हूँ मैं। जाता है। अब ये हो सकता है वो मेरी जो 18-22 साल के कालखंड में जिस जिंदगी को मैं जी रहा था जी उसमें से शायद ये डेवलप हुआ है। अब वो मेरा मेरे मेरे शरीर का वो हिस्सा बन गया है। तो अच्छा, लेकिन मैं जैसा आपने कहा रिटायर्ड होने के बाद क्या करोगे, तो पहला काम मैं नींद कैसे बढ़ाऊं इस पर सोचूंगा।